अब खबर झारखंड से, जहां हजारीबाग में कुनार डैम की नहर का बांध टूटने के मामले में 4 इंजीनियरों पर गाज गिर गई है। जल संसाधन विभाग की जांच रिपोर्ट में इन चारों इंजीनियरों की लापरवाही की बात सामने आई है। इंजीनियरों पर हुई इस कार्रवाई से चूहों पर लगा इल्जाम हट गया है। बांध तोड़ने के कसूरवार कहे जा रहे चूहों को क्लीन चिट मिल गई है। बुधवार को उद्घाटन हुआ और गुरुवार की अलसुबह टूट गया बांध। झारखंड में भ्रष्टाचार कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, ये टूटा हुआ कोनार बांध इसी की गवाही दे रहा है। हालांकि बड़ी मछलियां आरोपों के घेरे में आती, इससे पहले ही सिस्टम ने चालाकी दिखाई। तमाम आरोप बेजुबान चूहों पर चस्पा हो गए। सफेद पेशों और अधिकारियों को बचाने के खातिर दो टूक कह दिया गया कि ये गुस्ताखी सिर्फ चूहे ही कर सकते हैं, ऐसी जरूरत किसी और के बूते की बात नहीं। लेकिन समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि चार पैर वाले चूहों में इतनी ताकत होती नहीं। ये चूहे दो पैर वाले ही रहे होंगे, जिन्हें छुपने के लिए बिल की जरूरत भी नहीं होती। सिस्टम में इन्हें हर जगह शरण मिल जाती। जो हमें हमारे अभियंताओं ने जिस प्रकार का फीडबैक दिया, उस फीडबैक में था कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि रैट होल्स, जो कि वहाँ पे खेती होती है और बहुत दिनों से इस कैनाल में तो पानी गया नहीं है, कभी खाली कैनाल बनी और ट्रायल इसका नहीं हुआ इस तरह से, तो ये शायद रैट होल्स की में पानी घुस गया, और जब पानी घुस गया तो फिर उसके बाद जो है जमीन मिट्टी ढीली हो गई और वो प्रेशर में उसको काटता चला गया। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कारण क्या था। कोनार सिंचाई परियोजना को पूरा होने में पूरे 42 साल लग गए। नहर के निर्माण में सरकारी खजाने का 2176 करोड़ रुपया फूंका गया। बीते बुधवार को ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। भरोसा यही दिया गया कि 3 प्रखंड के 85 गांव इस नहर के पानी से खेती किसानी करेंगे। नहर के पानी से किसानों की फसलें लहलहा उठेंगी। रात को सोते वक्त किसानों ने ऐसा ही सपना देखा था, लेकिन नींद खुलते ही उनके सामने तबाही के निशान थे। धान, मक्का, मडुआ सब कुछ तबाह हो चुका था। हरियाली देने वाली नहर विनाश लीला दिखा गई। बगोदर कुसमराज पंचायत के खोस के खताया में टूटे इस बांध ने किसानों के सपने पर डाका डाल दिया। हालांकि जिस पानी से किसानों के फसल तबाह हुए, उसी पानी ने विपक्ष की सूखी सियासी जमीन हरी कर दी। सब सत्ता पक्ष पर लूट खसोट के आरोप लगाने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना पड़ेगा कि जिस परियोजना का वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपने विभाग की पीठ थपथपा रहे थे, अपने मंत्रिमंडल की पीठ थपथपा रहे थे, इसके ढहने के बाद क्या अभी तक विभाग का जो सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उसके अभियंता प्रमुख पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ? उस परियोजना का जो अधीक्षण अभियंता थे उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ? विपक्ष ने शोर मचाया तो सरकार संसद में आ गई। जो अधिकारी पहले चूहों को दोषी ठहरा चुके थे, उन्हीं अधिकारियों ने आनन फानन में चूहों को क्लीन चिट दे दी। चार पैरों वाले चूहे बरी हो गए और दो पैरों वाले चूहों की गर्दन फंस गई। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के बाद 4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सरकार रिपोर्ट के पलटने के बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों की माने तो बांध टूटने से तकरीबन 50 लाख की फसल बर्बाद हुई, और अगर सरकार ने खुद से मुआवजे का ऐलान नहीं किया तो उनके पास आंदोलन के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। सियासत और सिस्टम में चूहे सबसे निरीह होते हैं। जहां कभी भी बांध टूटता है, चूहे सबसे पहले कसूरवार ठहरा दिए जाते हैं। बिहार के चूहों पर तो अब भी लाखों लीटर शराब पीने का इल्जाम चस्पा है। काश झारखंड की तरह ही बिहार के चूहों को भी क्लीन चिट मिल जाती, लेकिन ये तभी मुमकिन जब यहाँ भी दो पैर वाले चूहे चार्ज शीटेड हो जाएं। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।